कोरोना महामारी के इस महान संकट के दौरान में भी कतिपय लोग लॉकडाउन के बाद भी घर पर बैठने को तैयार नहीं हैं और शासन प्रशासन के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। शनिवार को कलेक्टर के निर्देश पर कुछ ऐसे ही लोगों पर कार्रवाई की गई और उनकी दुकानें सील की गई। दरअसल ये लॉकडाउन के आदेश के बाद भी दुकानें खोलकर बैठे थे। दरअसल शनिवार को कलेक्टर शशांक मिश्र शहर के निरीक्षण पर निकले, जहां उन्होंने सिंधी कॉलोनी, हरी फाटक, तोपखाना आदि क्षेत्र में दुकानें खुली देखी, जहां लोगों की ज्यादा भीड़ एकत्रित हो रही थी। कलेक्टर शशांक मिश्र के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उन्होंने दुकानें सील करने के निर्देश दिए। निर्देश के बाद तहसीलदार सुश्री पूर्णिमा सिंगी द्वारा सील कर दिया गया। तहसीलदार ने बताया कि सिंधी कॉलोनी पर झूलेलाल बेकरी, हरी फाटक पर स्टार हिंद बेकरी तथा तोपखाना क्षेत्र में अलशिफा किराना, हमसफर टूर एंड ट्रेवल्स, हैदर एंटरप्राइजेस टायर्स की दुकान आदि खुली पाई गई तथा इन पर भीड़ लगी होना पाया गया। उक्त दुकानों को सील कर दिया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगर कर्फ्यू क्या है कि लाइसेंस सस्पेंड 100 दिन के लिए कर सकते हैं। अगर वायलेशन कर रहा है नियम का तो 2 दिन के लिए जिनके लाइसेंस उसको सस्पेंड करके फिर गवर्नमेंट करवा के उसको फिर वो परमिशन ले सकता है। अगर नियम का पालन करें जो निर्देश आज दिए गए हैं वो 2 दिन पहले भी दिए जा सकते हैं। नहीं, 2 दिन पहले निर्देश दे दिए गए थे, उनको कहा था, उनको लिखित में निर्देश दे दिए गए थे कि ये केवल आवश्यक सामग्री बेचेंगे। लेकिन अभी मौके पर जिन्होंने प्रेसिडेंट मैडम ने बताया कि ब्रेड के अलावा इनकी दुकान में अन्य सारा सामान भी रखा हुआ है, ठीक है ना, तो अभी उसको हम कर देंगे। तो अपनी उपस्थिति में बाकी सामान को हटवा के केवल ब्रेड के लिए इसको व्यवस्था होगा। सर, ये जो आपने परमिशन 2 दिन पहले वो करी थी निरस्त, उसके बाद परमिशन भी आपने दी और बगैर लिखित में दी, क्या कारण था कि लिखित में क्यों नहीं दी? इस समय बहुत काम है, केवल पुरुष के ऑफिसर सारे पुलिस में लगे हुए हैं, हमारी ड्यूटी लगी हुई है, पुरुष में कच्चे राशन में, ठीक है ना। 2 दिन का बोल के इनको परमिशन ये ऑफिस नहीं आए, इन्होंने हवाई किसी क्लियर से फोन करके पूछ लिया है कि सर मैं अगर भी काम पूछ सकता हूँ, अनुमति नहीं।